हाँ, कब से सुनाई नहीं दे रहा है? मतलब कैसे, मतलब ये डॉक्टर क्या बोला, कहाँ कहाँ दिखाई है? आप उसके बताइए, लिए भोपाल जाने वाली हूँ। कान के लिए कान के लिए सोच रहे थे ना। कितने, मतलब सुनाई देना बिल्कुल बंद हुआ, मतलब आज से 10-20 साल हो गया होगा। कितना साल पुराना, कब से सुनाई नहीं दे रहा? वो सुनाई तो मेरे को कहने चाहिए पैर की चोट से पहले से। हाँ, पहले से, पहले मतलब से। कितना साल हो गया होगा? 15 साल, 2010 में ये हुआ है। 15 साल हो गया, 15 साल से ऊपर हो गया पंद्रह होगा। 15 साल से ऊपर, पहले से कम होने लगा रहा हूँ मेरे को लगा। 1995, 1995, 1995 से सुनाई नहीं दे रहा है। कम सुनाई दे रहा है तो धीरे धीरे से कि मशीन लगवाई, अच्छा सफाई करवाई, कई सब चीज करवाई अपने, पर आपको कोई राहत नहीं मिली? कोई लाभ नहीं। अच्छा, अभी भी सुनाई कम देता है? अभी तो बिल्कुल 100, इसमें का तो कम ही है, इसमें तो और भी कम हो जा रहा है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा है? अभी यह है कि सुनाई दे रहा है, पर यह कि शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मुँह, सिर्फ मुँह चल रहा है ये समझ में आ रहा है, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं आपको? मतलब शब्द समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ मुँह दिखे चल रहा है दिख। अच्छा, मेरे शब्द सुनाई नहीं देते, समझ में नहीं आते? अच्छा, तो सुनने के लिए खाने सुन लेती हूँ पर शब्द, मैं मतलब इतना बोल रहा हूँ अभी आप शब्द नहीं समझ। दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ला एक बार फिर आपके साथ और एक ऐसे जबरदस्त और चमत्कारी रिजल्ट के साथ में हूँ, जिसको थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कि काफी समय से सुनाई नहीं दे रहा है। आइए थोड़ा बात करते हैं। माता जी बैठी है, उनकी बहू है, उनकी बेटी और दामाद है, तो थोड़ा सा जानते हैं कहाँ से हैं और क्या। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है बहन जी? जी मेरा नाम विनीता है। कहाँ से हैं मैडम जी? जी मैं अंबिकापुर सरगुजा से हूँ, छत्तीसगढ़ से। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी तिर्की है। अच्छा, और सर आपका? प्रकाश तिर्की। आप कहाँ से? अंबिकापुर से हैं सभी लोग जी। ये आपकी कौन लगेगी? जी ये मेरी सास है। इनको क्या समस्या थी और कितने साल से थी, थोड़ा लोगों को जोर से बताइए। जी ये मेरी सास है, इनको बहुत पहले से सुनाई, कानों से कम सुनने की बीमारी समस्या थी, आज से 15 साल के ऊपर से ये वाली परेशानी थी। आज ही हम लोग कहाँ कहाँ दिखाए हैं आप इसके पहले? इन्होंने इस चीज का इलाज बहुत सारे जगहों में दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों, शहडोल, धनपुरी गए थे और आखिरी रायपुर भी गए, रायपुर भी गए और आखिरी में भोपाल से उन्होंने फिर मशीन लगवाया। मतलब सभी जगह के डॉक्टरों को आपने दिखा लिया? जी मैक्सिमम जगहों में तो हमने दिखाया। डॉक्टर का क्या कहना था मैडम जी? डॉक्टर का ये कहना था कि कानों में सुराख बन गया है, बिना मशीन के ये नहीं सुन सकती। और मशीन के बाद भी इनको सुनाई अब नहीं दे रहा? जब आप लेकर आई थी उस समय मशीन लगाने के बाद भी जी इनको जोर से चिल्लाना पड़ता था, सुनाई नहीं देता था जी। उनके उनको उनसे बातें करने के लिए हमें बहुत आवाज, मशीन लगाने के बाद भी, मशीन लगाने के बाद भी हमें ऊंची आवाजों में बात करना पड़ता था, तब हमारी बात उन तक पहुंचती थी। तो आपने सुना ये समस्या थी, पर अब बात करते हैं जिनको खुश फुसफुसाने पे कभी किसी को आवाज नहीं आती थी, तो अभी हम लोग थोड़ा सुनते हैं कि माता जी को फुसफुसाने की आवाज आती कि नहीं। माता जी नमस्कार। तो आपने अभी सुना, मैंने बहुत धीमे से इनको नमस्कार कहा है। माता जी नमस्ते। नहीं बहुत दिन से हुई है, मैं कोशिश कर रही थी, कई लोगों को दिखाई, एक कमी है धनपुरी में है, कई डॉक्टर फिर मुझे है। आपके पड़ोसी भी थे डॉक्टर और सभी लोगों ने मना किया। थोड़ा सा बताइए लोगों को। फिर रायपुर में भी दिखाए। अच्छा, रायपुर में भी दिखाए तो बोले आपका है मैडम जी दोनों कानों में सुराख हो रहा है, सुराख के कारण से सुनाई नहीं देता है, इसीलिए मशीन लगाने के बाद भी सुनाई नहीं देता था। वो एक में कम रहा इसलिए उसमें नहीं लगाती थी और इसमें ज्यादा रहा था, इसमें मशीन निकालने के बाद आपको जरा भी सुनाई देता था? कम सुनाई देता था, बिल्कुल ना के बराबर नहीं थी, बल्कि हम लोगों ने तो चेक किया था मैडम जी मशीन निकालने के बाद बिल्कुल नहीं था। अभी आप मशीन लगा रखी है, लगाए तो साफ सुनाई दे। अभी एक बात बताइए, पहले तेज बोलना पड़ता था, अभी मैं धीरे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आप धीरे से बोल रहे हैं ना, इतने धीरे भी सुनाई दे रहा है ना आप में, अब मेरी आवाज आपको स्पष्ट आती है? स्पष्ट आती है। कभी आप पहले इसके पहले स्पष्ट आती थी क्या? नहीं नहीं स्पष्ट नहीं आती। बहन जी आप थोड़ा सा बात करिए और आप बताइए कि अभी संतुष्ट हैं आप क्या? थोड़ा सामने खड़ो के इसे पूछिए, कैसे पूछिए कि कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अभी तो ठीक लग रहा है, सुनाई दे रहा है, स्पष्ट सुनाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा है, हाँ स्पष्ट सुनाई दे रहा है। मैंने आज तक अपनी सास से इतने धीमे आवाज में कभी बात नहीं की मेरी शादी के बाद। अच्छा, जब से मैं इनसे मिली हूँ मैंने कभी इतने धीमे आवाज में बात नहीं किया, हमेशा मैंने चीख के